हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। पीछे मंदिर में कुछ हवन टाइप का पूजा हो रहा है, उसका साउंड आ रहा है। एक इशू ये हो गया है कि मैंने जो हेलमेट पे जो मैंने एक्शन कैमरा लिया था उस पे जो मैंने हेलमेट माउंट लगाया तो वो थोड़ा उसका एंगल गलत हो गया। अब वो स्टिक हो चुका है उस पे, तो उसको जब भी मैं हेलमेट पे लगाता हूँ कैमरे को तो क्या होता है कि वो खाली मीटर तक का ही, मीटर साइड के ही वो ले रहा है, खाली फुटेज ले रहा है, उसके आगे का व्यू नहीं दिखा रहा है। उसका व्यूइंग एंगल थोड़ा डिस्टर्ब हो गया है। तो अभी क्या करेंगे कि उसको दे दूंगा कैमरा, वो पकड़ के बैठेगा, वो आप शूट करेगा। और मैंने एक नया माउंट उसका टेप मैंने ऑर्डर कर दिया है, जैसे वो आ जाएगा हेलमेट के दूसरे साइड में लगा के उसको सही से, फिर हम लोग उस पर अच्छा सा शूट करेंगे। ये आ गया भाई अपना, क्या बोलता भाई? इंतज़ार कर रही थी पब्लिक तेरा। ऐसा लग रहा है सो क्यों मैंने ठीक था। गिटार ले चलेंगे क्या? जैसी मर्जी, देखते हैं। गिटार कैसे ले चलेंगे, बैग तो है नहीं उसका। एक्चुअली हम लोग ने गिटार भी लिया है, ये भाई थोड़ा बजा लेता है, बोला हमको सिखा देगा, तो इसके चक्कर में हम लोग ने एक गिटार ले लिया। अब वही सोच रहा कि गिटार लेके जाएं वहाँ पे कि ना लेके जाएं। एक्चुअली उसका बैग नहीं है, उसकी बेल्ट भी टूट गई है, रहने देते हैं। बेल्ट तो क्यों रखते हैं? बेल्ट तो पड़ी होगी घर पे कहीं। क्या करना है, गिटार ले चलेंगे? नहीं, बिना गिटार के ही जाते हैं। हेलो बोलो बेटा। हेलो बोल दो। चलिए चलते हैं, अपने राइड पे चलते हैं, काफी लेट हो गया हम लोग को। हम लोग कहाँ पहुँचे बताओ पब्लिक को अपने, हम लोग कहाँ पहुँचे? हम लोग तुलसीपुर क्रॉस कर चुके हैं और बस थोड़ी दूर है पहुँचने वाले। आधा रूट हम लोग ने लगभग आधा रास्ता कवर कर लिया है। अभी यहाँ पे थोड़े देर के लिए रुके हैं, अगर पानी वानी पी लेते हैं फिर आगे चलते हैं। क्या बोलते हैं, ज़्यादा दूर का है नहीं, मुश्किल से 60-80 किलोमीटर है, तो लगभग 30 किलोमीटर से ज़्यादा हम लोग चल दिए है ना, 30 से ज़्यादा हम लोग चल दिए। तो बस आधा रास्ता बचा है, उसके बाद पहुँचेंगे डैम और वहाँ का दिखाएंगे आपको व्यू। क्या बोलते हैं, का व्यू, डैम का व्यू। अरे यार केला कितना बढ़िया लगा, ये देखिए ये, और वहाँ पे भी लगा हुआ है, वहाँ पे भी लगा हुआ है, पूरा केले का पेड़ है यहाँ पे, केले लगे हुए हैं, मतलब केले के पेड़ से ज़्यादा केले लगे हुए हैं इसमें बस। रे ये अपनी धन्नो पार्क है, यहाँ पे लोग जा रहे हैं। ये हेलमेट के साथ, ये हाईवे है, इसी हाईवे से हमको जाना है। आगे से रास्ता कटा हुआ है, बाकी ये सीधा रास्ता, ये जो रास्ता देख रहे हैं ये वाला रास्ता, ये सीधा चला गया है गोरखपुर, और हम यहाँ से अभी टर्न लेंगे तो ये डैम का रास्ता है। कच्चा रास्ता है? हाँ कच्चा रास्ता है, यहाँ से ये जाती है, ये डैम के रास्ते। यहाँ पे एक सिग्नल है रेलवे ट्रैक का, पचपड़वा स्टेशन इससे आगे है थोड़ी दूर पर। इधर चलना है? हाँ इधर चलना है, तो चलो डैम पर मिलते हैं। और भाई हम लोग मतलब डैम पे फाइनली पहुंच गए हैं।
फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं चित्तौड़गढ़ डैम, है कि नहीं? ये वही डैम है जिसके बाद काफ़ी टाइम से हम लोग बात कर रहे थे कि जाएंगे। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं। स्टार्टिंग में बहुत साल पहले मैं आया था तो यहाँ पे बहुत अच्छा फूल वूल सब लगा हुआ था और एक पिकनिक स्पॉट टाइप का था। यहाँ पे काफ़ी दूर से लोग आते थे घूमने के लिए। अभी भी आते हैं लेकिन अब वो लुक खत्म हो गया है इसका, क्या कि अब इसका शायद कोई देख रेख ज्यादा नहीं कर रहा है। एक बार जब लोग आएंगे ना तो वो फूल भी वापस आ जाएगा। ये सड़े जो मत मारा करो यार। और पहले बचपन में एक बार हम लोग का स्कूल ट्रिप आया था, तब यहाँ पे हम लोग आए थे स्कूल की तरफ से। तो यहाँ पे एक कोई जगह है, कहाँ गई वो, स्लोप था वहाँ पे एक बार मैंने अपना बैठ के, वो क्या होता है बचपन में होता है ना कि स्लाइड है तो घिस के जाएंगे, बस मैं ऐसे बैठ के ऐसे घिस के उतरा और पैंट फट गई मेरी। वो जो स्लोप दिख रहा है वहाँ पे, उस तरीका के स्लोप में साइड हुई है। पता है क्या दिखा था? चड्डी। जो चीज नहीं दिखने वाली होती वही दिखती। नहीं, मैं चड्डी पहनता हूँ, ये नहीं पहनता, मैं पहनता हूँ, ऐसी बात नहीं है, है कि नहीं? गर्मी, एक तो हेलमेट लगा के बाइक चलाओ तो बाल तो वैसे ही ऐसी की तैसी हो जाती बाल की, क्या बोलते भाई? यार तो इस जगह के बारे में और कुछ पता है तुमको? और कुछ क्या पता है यार, बचपन पे यहाँ पे मछली, अरे क्या होगा, मछली मछली मारने आता था भाई। और नीचे चलते हैं वहाँ पे। बचपन में यहाँ पे मैंने कटिया बहुत लगाई है भाई। हाँ, कटिया लगाए होगे जरूर, तुम्हारे ऊपर भरोसा, तुम कटिया लगाए होगे। कटिया लगाए। एक टाइम था जब यहाँ पे पब्लिक भरी रहती थी, कचाकच, बैठने की जगह नहीं मिलती थी, और आज गाय घास चर रही है यहाँ पे। हेलो बोलो, कैसी हो? मारना नहीं दीदी। मार देगी पे। कैसी हो दीदी? यहाँ पे मन तो बहुत कर रहा है वहाँ पे जाके कहीं बैठ के फोटो खींचा, लेकिन उतरेंगे नहीं, कचरा बहुत है। देखो लोगों ने एकदम कचरा कर दिया है, फेंक। अब यहाँ पे थोड़ा फोटो वोटो निकालते हैं, उसके बाद फिर निकलते हैं वापस, क्योंकि और कुछ है नहीं यहाँ पे दिखाने के लिए। बस एक शॉर्ट राइड मारनी थी और आप लोग के लिए एक वीडियो बनानी थी, तो हम लोग इतना दूर आ गए। बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, है तो 60 किलोमीटर खाली, लेकिन सही है घूमने के लिए। मज़ा आ गया, मज़ा। वी आर हेयर टू मेक अ टाइम वीडियो। Damn video. भाई देखो ऐसा है, पानी तो काफी साफ है। पानी साफ है भाई, लेकिन हैं और लुक भी। हम लोग के पास अभी ड्रोन होता तो इतना गजब का शॉट निकलता। हाँ, लेकिन ड्रोन है नहीं ना भाई। यहाँ से पहाड़ भी दिखता है, लेकिन आज थोड़ा धुंध है, इसके वजह से हल्का हल्का दिखाई पड़ रहा होगा। हल्का हल्का दिखेगा, लेकिन वो जो पहाड़ है ना, वो सब नेपाल का है। नेपाल का पहाड़ है, वो इंडिया में नहीं है। शकल दिखाओ थोड़ा। अच्छा, रेहान इज मेकिंग ए टाइम वीडियो। इतने दूर तुम लोग के लिए वीडियो बनाने आते यार। हाँ भाई, like यार देखो यार, लाइक कर दिया करो यार, वीडियो शेयर कर दिया करो, शेयर करो यार, है ना, सब्सक्राइब कर दो चैनल को। और तुम अगर तो पहले करो भैया, तुम देख रहे हो ना, तो पहले करो। मतलब अगर कर चुके हो तो फिर से मत कर देना, वरना अनसब्सक्राइब हो जाएगा। लेकिन अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो भाई, लोग अपना प्यार देते रहो हम लोग को, हम लोग ऐसे ही वीडियो बनाते रहेंगे। और उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी, क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं दिखाने के लिए, पानी है खाली, डैम है, जो था हम लोग ने दिखा दिया। चलिए अब यहाँ से जब हम लोग निकलेंगे, तो निकलने के बाद फिर वही सड़क है, थोड़ा बहुत आप लोग को दिखाएंगे, कहीं रुकेंगे तो बताएंगे, दो चार स्नैप्स निकालेंगे अपने लोग की, फिर उसके बाद वापस अपने घर, क्या बोलते हो भाई? बिल्कुल। उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, क्या बोलते हो, पसंद आई होगी? भैया शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, दोस्तों के साथ लाइक कर दो, कमेंट जरूर करना कि वीडियो कैसी लग रही है आप लोग को, कमेंट करके बताओ भैया। हाँ, उससे क्या होता है यार, हम लोग को भी एक मोटिवेशन मिलता है काम करने के लिए, कि हाँ कुछ वीडियो बनाए, मजा आता है। तो ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।